गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, वो था टेंस। और टेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस किया है और पास्ट कंटिन्यूस हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया था और नेक्स्ट जो हमारा था वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंस होता है। ओके स्टूडेंट, और नोट का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके स्टूडेंट, टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमने एफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया था, तो नेक्स्ट हमारा रहा था नेगेटिव सेंटेंस, तो उसे कंप्लीट करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस का, जो नेगेटिव सेंटेंस उसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स तैयार करेंगे, एग्जांपल्स बनाएंगे स्टूडेंट। ही वॉज नोट Laughing at me. He was not laughing at me. Okay, student. तो यहाँ पर identify करने के लिए कि past continuous है, तो was verb, helping verb का use किया जाता है। तो इसमें was का use हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो subject है वो कौन सी form में है? Singular form में है। इसके according हमने जो verb use की है student, वो भी singular ही की है। Okay, student, is that clear? नेक्स्ट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं स्टूडेंट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नोट का यूज किया, फिर उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है स्टूडेंट, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है एक्शन की। क्या शो कर रहा है? एक्शन की कंटिन्यूटी शो कर रहा है स्टूडेंट। वाज वर्ब तो पास्ट टाइम बता रहा है कि भूतकाल की बात है, और उसे जारी रखने के लिए उसी एक्शन को, तो कंटिन्यूटी करने के लिए उस एक्शन को, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, प्रीपोजिशन एट का यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट मी का हमने यूज किया। नेक्स्ट, यूअर नोट Writing this story. You were not writing this story. तो स्टूडेंट ये वर्ब का यूज किया, आपने वर्ब का यूज क्यों किया? क्योंकि यहां पर कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, और नेक्स्ट हमने नोट का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट का यूज किया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हमने नोट का यूज किया। तो यू वर नोट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर्ब में से वर्ब का यूज किया, क्योंकि यू के साथ वर्ब का यूज किया जाता है, फिर नोट का यूज किया, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। ये कंटिन्यूटी शो को, कंटिन्यूटी एक्शन को कंटिन्यूटी बता रहे हैं। और नेक्स्ट, दिस स्टोरी। ओके स्टूडेंट, तो यू आर नॉट राइटिंग दिस
स्टोरी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेगेटिव सेंटेंस है ये, कौन से टेंस का? पास्ट कंटिन्यू टेंस का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार से सी वॉज नोट, शी वॉज नोट लिसनिंग, she was not listening to songs, she was not listening to songs। okay student, ये भी past continuous tense का negative sentence का example है। okay student, these examples are past continuous tense। okay student, next हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग पता ही है स्टूडेंट कि हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर डब्ल्यू एस फैमिली से होती है। ओके और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एग्जांपल्स, टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। वर यू, वर यू कॉलिंग मी, were you calling me, was he, buying a new phone, was he buying a new phone from the market, was he buying a new phone from the market। okay student, तो कैसे पता चला student कि ये past continuous tense का जो interrogative sentence है उसके एग्जाम्पल्स है? तो इसकी जो आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट स्टार्टिंग होगी वर्ब से, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और एंड ऑफ द सेंटेंस किस नंबर का सिंबल होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये कौन से सेंटेंस हो गए? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से और एंड ऑफ द सेंटेंस किस नंबर का सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, और पास्ट कंटिन्यूज वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके स्टूडेंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है एक्शन को कंटिन्यूटी या कंटिन्यू एक्शन को जारी रखने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट बिल्कुल ईजी है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आ जाता है, अच्छे से लर्न हो जाता है, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो बनाने में बिल्कुल ही इजी होता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट बिल्कुल इजी है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब
प्लस में सब्जेक्ट के बाद प्लस नोट का यूज किया जाता है और फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस किस प्रकार का सिंबल यूज होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाएगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनको ही जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, इनको चेंज करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। तो वर यू नोट कॉलिंग मी? ओके स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस को स्टूडेंट अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, बस ये जो सब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के अनुसार हम कि ये फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, नोट का यूज, तो हमने यहां पर नोट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हमने प्लस में, यहां पर प्लस का निशान है स्टूडेंट, ये प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट, फिर ये एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार से यहां पर वाज ही नोट, अगर वाज ही नोट का यूज करते हैं, सॉरी ये प्लस का निशान यहां पर नहीं आएगा, ओके स्टूडेंट, क्योंकि वर यू नोट कॉलिंग मी? ओके, तो वाज ही नोट बाइंग ए न्यू फोन फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ओके स्टूडेंट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से जो कि वाज और वर होती है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन सा बन जाएगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट डब्ल्यूएच फैमिली वाले, डब्ल्यू एच सेंटेंसेस, डब्ल्यू एच सेंटेंसेस स्टार्टिंग होगी डब्ल्यू एच फैमिली से स्टूडेंट। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान। ओके स्टूडेंट, अब इसके एग्जांपल्स, व्हाई वर यू स्कोल्डिंग, व्हाई वर यू स्कोल्डिंग him, why were you scolding him? तो why का use हुआ student, तो इसका मतलब it means ये WH family से है। okay, और end of the sentence किस प्रकार का symbol भी है और हमें find करना है कि ये past continuous है, past continuous का WH family वाला sentence है, तो WH से starting होगी, उसके बाद verb का use किया, verb का use क्यों किया student, क्योंकि यहां पर क्या है सब्जेक्ट क्या है यू और यू के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट हिम का यूज हमने किया है।
Where was he going? Where was he going, student? Where was he going? कौन सा बन गया ये? WH फैमिली वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है. Where was he going? Was और were का यूज पास्ट में होता है और going पास्ट कंटिन्यूटिव पास्ट कंटिन्यूस हो कर रहा है. ओके स्टूडेंट, तो ये WH फैमिली वाले सेंटेंस कंप्लीट हुए. ओके, तो नेक्स्ट इसकी एडवर्बियल्स है स्टूडेंट. पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्बियल्स एडवर्बियल्स ऑफ ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. Adverbials of past continuous tense at that time moment in those days when Rahil it is expected. Adverbials of past continuous tense at that time moment in those days when or when etc etc is that clear student? The past कंटिन्यूस टेंस की एडवर्बियल्स है स्टूडेंट. ओके, एग्जाम्पल्स या फिर यूज ऑफ एडवर्बियल्स ऑफ पास्ट continuous tense first example he was working there in those days. He was working there in those days. Okay student, तो ये जो those days है student, ये क्या है? Past continuous tense की adverbials है. और इससे ये identify होता है student कि हमें कौन से tense का use करना है? Past continuous tense का use करना है. Okay student, और past continuous tense में was और were का use किया जाता है. Was और were जो helping verb होती है उसका यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है. सेकंड, यू वर टीचिंग English. You were teaching English at the time yesterday. You were teaching English at the time yesterday. Okay, student. So, at the time. ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्बियल्स है. ओके स्टूडेंट,
तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए एडवर्बियल्स ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ओके स्टूडेंट, अगर हमें एडवर्बियल्स ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पता है स्टूडेंट, तो हम यूज कर सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कि किस प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, और किस प्रकार से वर्ब का यूज किया जाता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट द एडवर्बियल्स ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कि अगर अगर दो एक्शन या दो कार्य पास्ट में शुरू होते हैं स्टूडेंट, भूतकाल में शुरू होते हैं, और उनमें से एक कार्य कंप्लीट होता है और एक कार्य चल रहा होता है। ओके स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट कार्य जो कंप्लीट हो गया है वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो चल रहा होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। जैसे एग्जांपल्स, When I reached the station, the train was moving slowly. When I reached the station, the train was moving slowly. Okay, student. तो अब ये जो अगर when से start होता है student, when दिया हुआ है, और when के बाद just simple past tense, मतलब it means कि past indefinite tense का use किया जाएगा, तो when plus में past indefinite tense. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके स्टूडेंट, जो कंप्लीट हो गया है व्हेन आई रीच द स्टेशन, ओके स्टूडेंट, तो ये एक्शन है उसका जो कंप्लीट हो गया है, बट नेक्स्ट एक्शन द ट्रेन वाज मूविंग स्लोली। ओके, तो जो सेकंड एक्शन है वो क्या है, वो अभी भी जारी है, वो चल रहा है, तो जो चल रहा है वो पास्ट कंटीन्यूअस में होगा, और जो कंप्लीट हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट में कंप्लीट होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनता है। तो वैन प्लस पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा, और नेक्स्ट जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आई वॉज बाथिंग when he I was bathing when he came. I was bathing when he came. तो when के बाद वाला जो sentence है वो कौन सा है? Past indefinite में है, और नेक्स्ट सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस किस में बना है स्टूडेंट? ये कौन से में बना है? ये पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ये तो कंप्लीट हो गया, आई वॉज बाथिंग व्हेन ही कैम। तो ये जो एक्शन है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, बट ये एक्शन अभी भी रनिंग था। ओके स्टूडेंट, तो ये जो एक्शन था वो अभी भी गोइंग
ऑन था. ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट जो वाक्य होगा जो कंप्लीट होता है वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा, और जो चल रहा होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा. ओके स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट, अगर दोनों एक्शन एक ही समय जारी हो, चल रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों ही सेंटेंस किस में बनेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में बनते हैं. एग्जांपल, जैसे examples, Sita was cooking food while her mother was washing clothes. Sita was cooking food. Sita was cooking food. Sita खाना पका रही थी जबकि उसकी माँ, her mother was washing clothes. उसकी माँ क्या कर रही थी? कपड़े धो रही थी. तो दोनों ही सेंटेंस अगर वेल से स्टार्ट है, सॉरी वेल से कंजेक्शन से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, वेल से दोनों सेंटेंस एड है, तो इट मींस कि फर्स्ट सेंटेंस भी पास्ट कंटीन्यूअस में होगा और सेकंड सेंटेंस भी पास्ट कंटीन्यूअस में होगा जब दोनों एक्शन जारी हो, कंटिन्यू चल रहे हो. ओके स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में वेल का यूज करते हुए दोनों ही सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस में बनते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका. I was teaching English while my friend was teaching SST. Okay student, I was teaching English while my friend was teaching SST. Okay student, तो दोनों ही एक्शन क्या है? कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी है दोनों एक्शन की. ओके स्टूडेंट, तो इसलिए अगर वेल दिया हुआ है और फर्स्ट सेंटेंस कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो नेक्स्ट सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूस में ही बनेगा. जब बनेगा, जब कंडीशन क्या होगी, दोनों सेंटेंस क्या हो, एक्शन क्या हो, कंटिन्यू जारी हो. ओके स्टूडेंट, तो एक्शन है गोइंग ऑन. ओके स्टूडेंट, तो ऐसे सेंटेंस किस में बनते हैं? दोनों ही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक दैट स्टूडेंट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. ओके स्टूडेंट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपके समझ में जरूर आया होगा. ओके, और टेक केयर, बाय फॉर नाउ.